हेलो दोस्तों, आज हम डॉल्फिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो समुद्री जीवों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं और इन्हें हम राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित नहीं किया था। 4 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया। डॉल्फिन मछली नहीं है, यह एक स्तनधारी प्राणी है। जिस तरह व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है, वैसे ही डॉल्फिन भी इसी वर्ग में आती है, क्योंकि ये हमारी तरह गर्म खून वाली होती हैं, जबकि मछलियाँ ठंडे खून वाली होती हैं। डॉल्फिन गलफड़ों से नहीं बल्कि हमारी तरह फेफड़ों से सांस लेती हैं। वे अंडे देने के बजाय बच्चों को जन्म देती हैं और उन्हें दूध पिलाती हैं। डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है, यह सामान्यतः समूह में रहना पसंद करती हैं। इनके एक समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। डॉल्फिन की एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह कंपन वाली आवाज़ निकालती हैं, जो किसी भी चीज़ से टकरा कर वापस डॉल्फिन के पास आ जाती हैं। इससे डॉल्फिन को पता चल जाता है कि शिकार कितना बड़ा और कितने करीब है। डॉल्फिन आवाज़ और सीटियों के द्वारा एक दूसरे से बात करती हैं। डॉल्फिन के अपने नाम भी होते हैं, जिससे वे एक दूसरे को बुलाती हैं। ये शब्दों के बजाय अलग अलग आवाज़ें होती हैं। डॉल्फिन टेलीफोन पर एक दूसरे से बातचीत कर सकती हैं और पता लगा सकती हैं सामने फोन पर कौन है। फिलहाल पृथ्वी पर डॉल्फिन की 41 प्रजातियां हैं। इनमें से 37 समुद्रों में और 4 नदियों में पाई जाती हैं। डॉल्फिन की उम्र 15 साल होती है। कुछ प्रजातियां 50 साल तक भी जिंदा रहती हैं। डॉल्फिन इंसानों से ज़्यादा सुन सकती हैं, लेकिन इन्हें खुशबू और बदबू नहीं आती है। सबसे छोटी डॉल्फिन 4 फीट की होती हैं और बड़ी डॉल्फिन 32 फीट की होती हैं। डॉल्फिन के दांत होते हैं, लेकिन ये भोजन को कभी चबाती नहीं है बल्कि सीधे निगल जाती हैं। सबसे छोटी डॉल्फिन 40 किलो की और बड़ी डॉल्फिन 9000 किलोग्राम की होती हैं। डॉल्फिन खुद को शीशे में पहचान सकती हैं। अमेरिकी नेवी के पास 75 प्रशिक्षित की गई डॉल्फिन हैं, जो उनके पानी के अंदर माइंस और दुश्मन तैराकों को ढूंढने में मदद करती हैं। डॉल्फिन एक आंख खोलकर सोती हैं। डॉल्फिन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी तैर सकती हैं, जबकि इंसान अधिकतम 8.6 किलोमीटर की स्पीड से तैर सकते हैं। मेल डॉल्फिन को बुल्स और फीमेल डॉल्फिन को काउस कहा जाता है। पहली दो मुंह वाली डॉल्फिन 2014 में तुर्की की एक बीच पर देखी गई थी। डॉल्फिन और व्हेल जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब वो चिल्लाने लगती हैं। डॉल्फिन सब अपनी त्वचा की ऊपरी परत को हर 2 घंटे में उतार देती हैं। डॉल्फिन समुद्र का पानी नहीं पीती, क्योंकि ये इन्हें बीमार और यहाँ तक कि मार भी सकती हैं। डॉल्फिन जो भोजन खाती हैं, उसी से पानी की आपूर्ति कर लेती हैं। डॉल्फिन पानी में 990 फीट की गहराई तक जा सकती हैं और पानी से 20 फीट ऊपर तक उछल सकती हैं, यानी 2 मंजिला इमारत के बराबर। यदि आपको कोई डॉल्फिन समुद्र से बाहर बीच पर मिलती हैं, तो उसे वापस पानी में भेजने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ऐसा बीमार होने पर डूबने से बचने के लिए करती हैं। डॉल्फिन
का मुख्य भोजन मछली है। प्रतिदिन इन्हें 30 किलो भोजन की जरूरत होती है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।